Good morning friends, we will study in detail the three main aspects or components of staffing, that is recruitment, selection and training. We start with recruitment. Recruitment refers to a process of searching for prospective employees and encouraging them to apply for jobs in the organization. रिक्रूटमेंट स्टाफिंग प्रोसेस की सेकेंड स्टेप है. इसमें हम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को एनकरेज करते हैं कि वह हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करें. फंक्शंस ऑफ रिक्रूटमेंट: टू डिस्कवर वेरियस सोर्सेज ऑफ मैन पावर एंड द सेकेंड टू क्रिएट अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट के लिए वेरियस सोर्सेज होते हैं. इन सोर्सेज को हम टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल सोर्स यानी हमने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग स्टाफ का यूज किया है एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू प्रमोशन एंड ट्रांसफर. एक्सटर्नल सोर्स यानी हमने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से फ्रेश कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया है, उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज है. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वेब पब्लिशिंग, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, रिकमेंडेशन ऑफ स्टाफ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर. अब इन वेरियस सोर्सेस में से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सुटेबल रिक्रूटमेंट सोर्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर इस सोर्स के थ्रू प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉयज को एनकरेज करेंगे कि वह हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें. तब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक कैंडिडेट्स का पूल क्रिएट होगा, बहुत सी एप्लीकेशंस कलेक्ट होगी. अब इस एप्लीकेशंस में से हम बेस्ट सुटेबल पर्सन का सिलेक्शन करेंगे. इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस से पहले रिक्रूटमेंट होती है. रिक्रूटमेंट यह बहुत सिंपल प्रोसेस है क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज को किसी हर्डल का अभी सामना नहीं करना पड़ता. देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स. वी स्टार्ट विद इंटरनल सोर्स. इट रेफर्स टू मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल अप वैकेंट जॉब्स. यानी इंटरनल सोर्स में हमने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया या ट्रांसफर कर दिया, इसे ही हाई पोस्ट पर रिक्रूट कर दिया. सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्स, प्रमोशन एंड ट्रांसफर. प्रमोशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अ लोअर लेवल पोजीशन टू अ हायर लेवल पोजीशन, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे. प्रमोशन में हम एक जूनियर एम्प्लॉय को सीनियर की पोस्ट पर प्रमोट कर देते हैं. पोजीशन चेंज होने से इस पर्सन की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसे मिलने वाली फैसिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, इसका स्टेटस चेंज हो जाता है, हाई लेवल स्टेटस जॉब पोजीशन हो जाती है, इसके साथ ही इसका पेमेंट भी इंक्रीज हो जाता है. सो इट इज वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज. जैसे हमने ब्रांच मैनेजर को जनरल मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया, सो इट इज वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय. इट इम्प्रूव्स द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन. प्रमोशन एक मोटिवेशनल टूल है. इससे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहते हैं, उनमें जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. प्रमोशन में फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ साथ एम्प्लॉय को साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलता है. यहाँ पर चेन ऑफ प्रमोशन भी हो सकता है. जैसे हमने सेल्स सुपरवाइजर को सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट किया, सेल्स मैनेजर को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया, तो यहाँ पर जूनियर एम्प्लॉय अपनी सीनियर पोस्ट पर प्रमोट होते गए. सो दिस इज वर्टिकल चेन ऑफ प्रमोशन. सी वन मोर एग्जाम्पल. हमने फोरमैन या सुप्रिंटेंडेंट को प्लांट सुप्रिंटेंडेंट की पोस्ट पर प्रमोट किया, प्लांट सुप्रिंटेंडेंट को प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया. सो दिस इज वर्टिकल चेन ऑफ प्रमोशन विच गिव्स साइकोलॉजिकल बेनिफिट टू ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन. द सेकेंड इंटरनल सोर्स इज ट्रांसफर. इट रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, one department to another, or from one shift to another without a substantive change in responsibilities and status of employees.
इसका मतलब ट्रांसफर में हम प्रेजेंट एम्प्लॉय को एक नए डिपार्टमेंट में, नई ब्रांच में, मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यह ट्रांसफर सेम लेवल सेम पोजीशन पर होता है, इसलिए एम्प्लॉय का डिजिग्नेशन चेंज नहीं होता, उसकी जॉब पोजीशन सेम होती है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है, पेमेंट भी सेम होता है। सो दिस इज हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। इट अवॉइड्स ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग। यदि हमारे किसी ब्रांच में ओवर स्टाफिंग है, जरूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज है, तो हम उसे उस ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ अंडर स्टाफिंग है। सो इट अवॉइड्स टर्मिनेशन। ट्रांसफर यूज करने से हमें किसी भी एम्प्लॉय की सर्विसेज टर्मिनेट नहीं करनी पड़ती, हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड इट रिमूव्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में, किसी ब्रांच में दो एम्प्लॉयज में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, तो हम उनमें से किसी एक एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट जॉब्स। कुछ जॉब्स में ट्रांसफरेबल पॉलिसी होती है, यानी इन एम्प्लॉयज का रेगुलरली हर दो साल बाद ट्रांसफर होता है। अब उन्हें हर दो साल बाद एक न्यू सिटी में जाकर एक न्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करना होता है। इससे हर बार एम्प्लॉय कुछ नया सीखता है, उसे सोशल ट्रेनिंग भी मिलती है। सो द ट्रांसफर वर्क्स एज अ ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉय फॉर न्यू जॉब्स ऑल्सो। नाउ वी सी मैरिट्स एंड डीमैरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। द फर्स्ट मैरिट इज हायर मोटिवेशन लेवल। इंटरनल सोर्स प्रमोशन और ट्रांसफर यूज करने से हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ मोटिवेट होते हैं, उनमें यह कॉम्पिटिशन होती है कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करने से उनका प्रमोशन हो सकता है। सिंपल प्रोसेस। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी सिंपल प्रोसेस, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ही होते हैं, हमारी रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी नहीं लगती। द थर्ड इज डेवलप्स फ्यूचर मैनेजर्स। इंटरनल सोर्स यूज करने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मिडल लेवल और टॉप लेवल मैनेजर्स रेडी होते हैं, इन्हें ट्रेनिंग मिलती है, या फ्यूचर में यह पोस्ट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग। इंटरनल सोर्स यूज करने से हमें इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह एग्जिस्टिंग स्टाफ ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स एंड पॉलिसी से अवेयर है, इन्हें ऑर्गेनाइजेशन में सेटल होने के लिए भी टाइम नहीं देना पड़ता। द नेक्स्ट इज नो ओवर और अंडर स्टाफिंग। ट्रांसफर यूज करने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। द सिक्स्थ इज इकोनॉमिकल। इंटरनल सोर्स बहुत ही इकोनॉमिक मेथड है, क्योंकि इसमें हमें रिक्रूटमेंट कॉस्ट नहीं लगती, इसके साथ ही इन एम्प्लॉयज को, फ्रेश एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करने की कॉस्ट भी सेव होती है। नाउ वी सी डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। द फर्स्ट इज लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। इंटरनल सोर्स हमेशा यूज करने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश ब्लड, फ्रेश टैलेंट, न्यू प्लान्स, न्यू मैथड्स यूज नहीं हो पाती, सेम एम्प्लॉय सेम तरह के प्लान बनाते हैं। सेकेंड इज डिक्रीज इन एंथुजियाज्म लेवल। यदि हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ को यह श्योरिटी हो कि सीनियोरिटी बेसिस पर उनका प्रमोशन हो ही जाएगा, तो वे लेथार्जिक हो जाते हैं, उनमें कोई एंथुजियाज्म, कोई मोटिवेशनल नहीं होता। द नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर अ न्यू एंटरप्राइज। किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल सोर्स यूज करना पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन की हर पोस्ट भी इंटरनल सोर्स के द्वारा रिक्रूट नहीं हो सकती। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉम्पिटिशन। हमेशा प्रमोशन सीनियोरिटी बेसिस पर हो, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का ही यदि प्रमोशन हो, तो एम्प्लॉयज में कॉम्पिटिशन नहीं होती, क्योंकि उन्हें किसी आउटसाइडर के साथ कम्पीट नहीं करना पड़ता। द फिफ्थ इज लो प्रोडक्टिविटी। रेगुलरली ट्रांसफर होने से एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी कम हो सकती है, क्योंकि हर बार उन्हें एक नए डिपार्टमेंट, एक नए जॉब, एक नए एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करनी होती है। द सिक्स्थ इज लिमिटेड चॉइस। प्रमोशन या ट्रांसफर यूज करने से हमारे पास एक लिमिटेड चॉइस होती है कि हमें इन एम्प्लॉयज में से ही
किसी ना किसी का प्रमोशन करना है, किसी को ट्रांसफर करना है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इंटरनल सोर्सेज वेल. नाउ वी स्टार्ट विद द एक्सटर्नल सोर्सेज. External sources refers to searching for employees from the sources outside the organization. External sources में हम organization के बाहर के candidates को हमारी organization में work करने के लिए recruit करते हैं. There are various methods under external sources. The first is direct recruitment. Under this method, a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the details of the jobs available. Direct recruitment में vacancy की information factory के gate के बाहर notice board पर लगा दी जाती है या shop के बाहर लगा दी जाती है, जिसमें इस job की सभी details लिखी होती है. जो लोग भी यह जॉब करने में इंटरेस्टेड है वह डिटेल्स पढ़कर एक स्पेसिफाइड डेट और टाइम को फैक्ट्री गेट के बाहर असेंबल होते हैं. अब ऑन द स्पॉट इनका सिलेक्शन किया जाता है. सुटेबल फॉर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब. यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए सुटेबल है. जैसे कई बार शॉप्स के बाहर आपने लिखा देखा होगा, सेल्स गर्ल चाहिए या हेल्पिंग हैंड्स चाहिए. दिस इज ऑल्सो नोन एज कैजुअल और बदली वर्कर्स. इन वर्कर्स को कैजुअल और बदली वर्कर्स भी कहा जाता है. दे आर पेड ऑन डेली बेसिस. This method is very economical as no vacancy advertisement is given in the newspaper. सिर्फ information factory gate के बाहर notice board पर ही लगाई जाती है. This method is suitable during rush of work. It means हमारी organization को कोई एक बड़ा order मिला है या यह peak season का time है, बहुत काम है, इसलिए हमें temporary period के लिए कुछ workers चाहिए, तो हम direct recruitment या source यूज करते हैं. और इफ परमानेंट एम्प्लॉयज आर एब्सेंट या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट एम्प्लॉयज कुछ समय के लिए एब्सेंट है, तो हमें टेम्पररी पीरियड के लिए कुछ एम्प्लॉयज हायर करने हैं, तब भी हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का यूज करते हैं. मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज कैजुअल कॉलर्स. डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस आर यूज्ड बाय कंपनी फॉर वैकेंसी. Unsolicited applications means uninvited applications. कई बार recruitment process में company के पास हजारों applications आती है. इसमें से company ने हर candidate को interview के लिए call नहीं किया या फिर limited post vacant होने के कारण बहुत से suitable persons को job offer नहीं किया. ऐसी applications की information database company के पास save होती है. अब जब भी वैकेंसी होगी कंपनी इन एप्लीकेशंस का यूज करती है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती है. दिस मेथड इज वेरी इकोनॉमिक एज देयर इज नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड इट इज कॉल्ड एज कैजुअल कॉलर्स. द थर्ड मेथड इज एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट इज गिवन इन न्यूज़पेपर, जर्नल एंड टेलीविजन. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एडवर्टीजमेंट की इंफॉर्मेशन लोकल न्यूज़पेपर इन लोकल लैंग्वेज, नेशनल न्यूज़पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज, रोजगार न्यूज़पेपर, जर्नल्स, टेलीविजन्स में देती है. फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट जॉब एंड इट्स रिक्वायरमेंट. इस एडवर्टीजमेंट में जॉब की फुल डिस्क्रिप्शन, फुल इंफॉर्मेशन होती है कि जॉब का टाइटल क्या है, सैलरी कितनी ऑफर करेंगे, इसमें काम क्या करना है, एम्प्लॉय में कौन सी स्पेशल स्किल, एक्सपीरियंस, क्वालिटी होना चाहिए. इसके साथ ही एडवर्टीजमेंट में कंपनी की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन भी होती है. दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एडवर्टीजमेंट इज सुटेबल फॉर स्किल्ड एंड एजुकेटेड एम्प्लॉयज. नाउ एडवर्टीजमेंट इतनी कॉमन मेथड है कि इसमें हजारों एप्लीकेशंस कंपनी के पास जमा हो जाती है. सो देयर इज फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स बाई यूजिंग एडवर्टीजमेंट. इससे कंपनी को सिलेक्शन करने के लिए भी बहुत वाइड चॉइस मिलती है. पॉसिबिलिटी ऑफ अनसुटेबल कैंडिडेट्स. अब इस मेथड का ड्रॉबैक यह भी है कि इन हजारों एप्लीकेशंस में पॉसिबिलिटी है कि कुछ अनसुटेबल एप्लीकेंट्स भी होंगे. अब कंपनी को सॉर्ट आउट करके इन अनसुटेबल एप्लीकेंट्स को रिमूव करना है. फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आर रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
They work as a link between job seekers and employees. यह employment exchange के पास employer और employee दोनों ही registered होते हैं. Employee अपना biodata employment exchange के पास submit करता है. इसके साथ ही employer भी अपने आप को इस exchange के पास register करता है. जब भी employer के पास vacancy होती है तो वह employment exchange की help लेता है. कुछ केसेस में तो यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंपलसरी है कि वह अपनी वैकेंसी इंफॉर्मेशन इस एक्सचेंज के पास रजिस्टर करवाए, नोटिफाई करवाए. इट इज यूजफुल फॉर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब. यह एक्सचेंज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में लिंक है. इसका मतलब डिमांड होने पर यह एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं. रिकॉर्ड्स आर नॉट अप टू डेट. The records of employment exchanges are not maintained properly and so unsuitable candidates are also referred by such organizations. Now the next is placement agencies and management consultant. Yeh private organizations hoti hai jaise ABC consultant. Does recruitment and selection on behalf of employer. एम्प्लॉयर के बिहाफ पर या रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस करते हैं. न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं. जितने कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस आती है उन्हें सॉर्ट आउट करके करेक्ट पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट भी करते हैं. दे मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ पर्सोनेल ऑल्सो. यानी कौन से एम्प्लॉय में कौन सी क्वालिफिकेशन है इसका पूरा रिकॉर्ड भी इन कंसल्टेंट्स के पास होता है. दे चार्ज फीस for their services. They are useful for extensive screening. They are suitable for technical, professional and managerial personnel. यानि जहां पर हमें educated people की जरूरत हो, professional people की जरूरत हो, यह consultant बहुत useful है. Middle and top level executive placement. इन consultant की help से हम अपनी organization में middle level और top level पर employee recruit कर सकते हैं. Nationwide service. They provide a services at a national level. The sixth is campus recruitment. Organizations conduct interview in campuses of various institutes, universities and colleges to search prospective candidates. आपने बहुत बार सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जैसे IIT कॉलेज IIM कॉलेज में जाती है और वहां पर कैंपस रिक्रूटमेंट करती है. इसका मतलब ऑन द स्पॉट जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में होते हैं उनका जॉब इंटरव्यू लेती है और उनका सिलेक्शन करती है. इसका मतलब अपना प्रोफेशनल टेक्निकल मैनेजरियल कोर्स पूरा करने से पहले ही इन स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर हो जाती है. पॉपुलर फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल जॉब्स. कंपनीज विजिट इंस्टीट्यूट लाइक IIT IIM. कुछ इंस्टीट्यूट्स का कुछ यूनिवर्सिटीज का इन बड़े कंपनीज के साथ टाइप भी होता है. नाउ द नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज रिकमेंड सुटेबल पर्संस अमंग देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फॉर एम्प्लॉयर. हमारी कंपनी का एग्जिस्टिंग स्टाफ हमारी कंपनी की वैकेंसी के लिए अपने ही फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का नाम रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है. Preliminary screening is done by existing employee. अब हमारी कंपनी के एम्प्लॉय को कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन है, प्लान्स एंड पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन है. उन्हें यह पता है कि हमें किस पोस्ट के लिए किस टाइप का सुटेबल पर्सन चाहिए. सो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इज डन बाय द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस मैथड इज वेरी इकोनॉमिक बिकॉज देर इज नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. The eighth external source is labor contractor. Intermediary like agent, labor contractor are used for hiring unskilled and semi-skilled worker. हमारी organization में यदि unskilled और semi-skilled worker की जरूरत है तो हमें इनका proper recruitment process करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि labor contractor एक ऐसे intermediary है जो इन workers को हमारे लिए hire कर सकते हैं. These labor contractors are in touch with workers and provide at short notice. यह labor contractors workers के touch में होते हैं और need के हिसाब से short notice पर हमें provide कर सकते हैं. They are employees of the organization.
हर ऑर्गेनाइजेशन लेबर कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके रखती है। इफ कॉन्ट्रैक्टर लीव्स कंपनी वर्कर्स फॉलो हिम, यदि हमारा एम्प्लॉय लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही कंपनी छोड़ के चला जाए तो उसके साथ जितने वर्कर्स उसने अपॉइंट किए हैं वे भी ऑर्गेनाइजेशन से जॉब छोड़ देते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर आपने देखा होगा कि एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया जाता है जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को हायर करता है। इसी तरह फैक्ट्रीज में भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटेड होते हैं जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं। नाउ द लास्ट इज वेब पब्लिशिंग। Nowadays, internet is used for recruitment. Websites are designed to provide information about job seekers and job openings. For example, www.naukri.com, www.monster.com, www.jobstreet.com.